हरिद्वार जो कि भारत का सर्वप्रथम वह स्थान है जहां पर गंगा माता कई पर्वत श्रृंखलाओं की यात्रा करते हुए हरिद्वार तक पहुंचती है और धरती को पवित्र करती है। हरिद्वार में रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और गंगा माता के पवित्र जल में स्नान करके खुद को शुद्ध करते हैं। यहाँ गंगा जी के घाट पर 12 महीने गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु आते रहते हैं और यहाँ सिर्फ दिन में ही स्नान नहीं किया जाता बल्कि रात्रि के समय भी यहाँ पर लोग गंगा स्नान करते हुए नजर आते हैं, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अभी रात के 3 बजे है और 3 बजे भी यहाँ पर लोग गंगा स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी मौसम बहुत ठंडा है, जैसा कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ठंड है और ऐसी ठंड में आ रहा पवित्र गंगा जी का शीतल जल ये और भी ज़्यादा ठंडा है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस पर गंगा माता का आशीर्वाद होता है उसे कैसी ठंड लग सकती है। तो वहीं गंगा माता का नाम लेकर कई लोग गंगा जी की पवित्र धारा में स्नान कर रहे हैं। अभी जो आपको वीडियो में स्थान दिखाई दे रहा है इसको हरिद्वार की हर की पौड़ी कहा जाता है। यहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने तप किया और गंगा से सिद्धियाँ प्राप्त की है। उन्हीं की याद में और उन्हीं की शक्तियों के कारण इस स्थान को हर की पौड़ी कहा जाता है। आज यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं और गंगा माता का आशीर्वाद पाते हैं। गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर कई तरह के घाट बनाए गए हैं, सीढ़ियाँ बनाई गई है और सीढ़ियों के किनारे किनारे चैन लगाई गई है और जो हर की पौड़ी के सामने यहाँ से ये धारा बहती हुई आपको दिखाई दे रही है वहाँ पर ज़्यादा गहराई नहीं है। वहाँ पर अच्छे से ऐसी सुविधा दी गई है नहाने के लिए ताकि कोई वहाँ पर डूब ना सके, कोई हादसा ना हो सके। और यहाँ पर इस तरह फ्लाईओवर के नीचे भी बहुत सारी चैन लटकाई गई है, यदि बाई चांस कोई बहते हुए यहाँ से गुजरे तो वो चैन पकड़ कर अपनी जान बचा सके। वैसे तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि सब चैन पकड़ कर ही नहाते हैं गंगा की धारा में, तो ऐसा हादसा बहुत ही मुश्किल से कभी हो सकता है। और अभी आप सामने जो देख रहे हैं दृश्य वो हर की पौड़ी पर नहाते हुए आपको श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं जो श्री गंगा माता के आराधना करते हुए स्नान कर रहे हैं। हरिद्वार में गंगा के बहते हुए घाट पर कई पुण्य कर्म किए जाते हैं, जैसे बच्चे का मुंडन करवाया जाता है, पिंडदान किया जाता है, गंगा माता की आरती की जाती है। कई लोग गंगा माता से मन्नत मांगते हैं और गंगा माता इतनी दयालु है कि अपने सभी भक्तों की आराधना सुनती है और उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद लोग यहाँ पर आते हैं और कई तरह के दान दक्षिणा देकर लोगों को संतुष्टि प्रदान करते हैं, उनको सुख प्रदान करते हैं। प्रत्येक दिन देवी गंगा की आरती की जाती है। इनकी आरती सुबह और शाम दोनों समय होती है। उनकी आरती के लिए गंगा जी के घाट पर उनकी स्वर्ण मूर्ति स्थापित की जाती है और स्थापित करने के बाद उनको सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद हर रोज़ यहाँ सुबह शाम गंगा जी की आरती की जाती है। आप भी बहुत सौभाग्यशाली है जो आज इस वीडियो में गंगा जी की आरती का वो शुभ दृश्य देख पाओगे। अभी यहाँ पर आरती की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है जो कि सुबह की आरती होने वाली है और अभी सुबह के 6 बजे है और यहाँ 6 बजे भी अंधेरा हो रहा है। सूर्य उदय होते ही यहाँ पर गंगा जी की आरती की जाएगी। उसकी पूरी तैयारियाँ हो चुकी है, पब्लिक अपने अपने स्थान पर बैठ चुकी है गंगा आरती के दर्शन हेतु और आरती की सामने अभी तैयारी चल रही है। वहाँ पर गंगा जी की मूर्ति को बैठा दिया गया है और अभी फिलहाल आरती शुरू होने वाली है। गंगा जी की आरती में लोग 1000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर भाग लेते हैं और उनकी आरती का शुभ फल पाते हैं। और अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि गंगा जी की इस धार के चारों तरफ कितनी सारी संख्या में लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर सामने गंगा जी की आरती का आयोजन शुरू हो चुका है। और गंगा जी की आरती से पहले ही जो दूसरे पंडित जन हैं
जो अपनी निजी आरती करते हैं गंगा जी की, उन्होंने आरती करना शुरू कर दिया है और पब्लिक को आरती देना शुरू कर दिया है। और लेकिन अभी गंगा जी की आरती में टाइम है, वो भी बस स्टार्ट होने ही वाली है। वो अभी फाइनली गंगा जी की आरती का समारोह शुरू हो चुका है और अभी आप सामने की ओर देख रहे होंगे, वहाँ पर पंडित जन लोगों ने आरती करना शुरू कर दिया है गंगा जी की, और उन्हीं के साथ साथ दूसरे जो और भी पंडित जन हैं वो भी गंगा जी की आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ भी यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक बैठ कर, हम सब बहुत लक्की है जो इस दृश्य को देख पा रहे हैं, क्योंकि गंगा माता की आरती के दर्शन होना बहुत ही दुर्लभ होता है। जैसा कि अभी मौसम है बहुत ठंडा है, तो सुबह सुबह यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल का बात है, लेकिन हम यहाँ पर अगर अवेलेबल है तो गंगा माता ने हमें साहस दिया है इस समय यहाँ पहुँचने का, जिस वजह से हम इस आरती का दृश्य देख पा रहे हैं और इसको अच्छे से अपने मन में बसा पा रहे हैं। और मेरे साथ साथ ही यहाँ पर देखो हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, जो दूर दूर तक खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे फ्लाईओवर पे नीचे, और जिस तरफ गंगा जी की आरती हो रही है उस तरफ। तो अभी फिलहाल गंगा जी की आरती संपन्न हो चुकी है, और संपन्न होने के बाद अब लोगों ने अपने अपने स्थान से उठना शुरू कर दिया है। अब गंगा स्नान करने लगेंगे लोग। तो यहाँ पर देखो गंगा जी की आरती के पश्चात लोगों ने गंगा स्नान करना शुरू कर दिया है, लेकिन सामने की तरफ जहाँ पर गंगा जी की आरती हुई थी वहाँ पर अभी भी लोग बैठे हुए हैं, वो गंगा आरती का प्रसाद लेकर ही जाएंगे। इस तरफ तो प्रसाद नहीं बढ़ता है क्योंकि ये दूसरी तरफ है गंगा जी के, लेकिन जहाँ पर गंगा जी की आरती हुई है वहाँ पर गंगा आरती का प्रसाद बांटा जाता है। जिस तरफ आरती हुई है वहाँ पर अभी भी घनी संख्या में लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आरती के पश्चात अब निजी रूप से गंगा जी की आरती वंदना कर रहे हैं और उसमें जलता हुआ दिया छोड़कर उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद पा रहे हैं। और अब यहाँ पर चंद्रदेव भी अस्त होना शुरू हो गए हैं क्योंकि अब सुबह होने वाली है, तो यहाँ पर चंद्रदेव देखो अस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहाड़ के पीछे छिपने वाले हैं। और धीरे धीरे यहाँ दिन निकलना शुरू हो गया है और उसी के साथ यहाँ पर नहाने वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और अभी आप देख रहे हैं ये घंटाघर का दृश्य, और घंटाघर के दूसरी तरफ ही हर की पौड़ी का दृश्य, और इधर ही है गंगा माता का मंदिर। और इसी के साथ अब हम आ गए हैं यहाँ इंद्रधनुष वाले पुल पर, जो गंगा जी की बड़ी धारा के ऊपर बना हुआ है, और इसके नीचे से बहती हुई गंगा जी की ये बड़ी बड़ी लहरें आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, और इसके ऊपर से आता हुआ ये कोहरा जो कि बहुत ही शीतल है। और यहाँ पर फिर से आ पहुँचा हूँ मैं हर की पौड़ी की साइड में, जो कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा हर की पौड़ी का दृश्य, जहाँ पर बहुत सारे लोग गंगा स्नान करते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। गंगा आरती के बाद अब धीरे धीरे सूर्य देव ने उदय होना शुरू कर दिया है, यहाँ पर उजाला होने लगा है और सूर्य देव अब ऊपर की ओर आने लगे हैं। थोड़ी थोड़ी धूप दिखना शुरू हो गई है और धूप के साथ साथ ही यहाँ पर लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कितनी संख्या यहाँ पर हो चुकी है लोगों की। और इस तरफ है ऊपर मनसा देवी का मंदिर, लेकिन मनसा देवी का मंदिर हम आपको दूसरी वीडियो में लेकर जाएंगे। अभी चलते हैं उस तरफ जहाँ पर महादेव की बड़ी सी मूर्ति है, वहाँ आपको दिखाऊंगा मैं। तो अभी मैं आ पहुँचा हूँ उस तरफ से, इस तरफ से दिखाई देती है महादेव की बड़ी सी मूर्ति, वो सामने आपको दिखाई दे रहे हो कि बड़े से महादेव, उनके पास जाने के लिए यहाँ से होते हुए रास्ता जाता है। ठीक महादेव की मूर्ति के पास से निकल कर आती है ये गंगा जी की बड़ी सी धारा, और इसमें नहाते हैं इतने सारे श्रद्धालु जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले भी हम हरिद्वार की कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आपको और एक्सप्लोर करना है हरिद्वार को तो हमारी सभी वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देखना, उससे आपको हरिद्वार को समझने में आसानी होगी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना,
और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हमारी वीडियो देखकर फ़ायदा उठा सके और उसको एंजॉय कर सके, क्योंकि हमारी सभी वीडियो ट्रेवल से रिलेटेड होती है। हर हर महादेव।